अगला वर्ड आपका था इसके अंदर फर्नीचर, मशीन, फर्नीचर के बाद में मशीन, जो मेनली जो है बिजनेस के अंदर, जैसे अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उनको काफ़ी सारी मशीन्स की जरूरत पड़ती है, तो वो भी बिजनेस के अंदर जो परचेज करते हैं वो लॉन्ग टाइम तक बिजनेस के प्रोडक्शन को करने के लिए जो है वो काम आती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में शामिल होती है। उसके बाद अगला वर्ड है इसके अंदर आपका नॉन करंट, को डिफाइन किया गया है, वापस डिफ्रेंशिएट किया गया है दो भागों के अंदर, एक तो है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल वर्ड में भी आपको पता ही होगा, टेंजिबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, यू कैन सी, और जिसको टच कर सकते हैं, यू कैन टच, तो उसको अपन जो है वो कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो जिसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि ऐसी एसेट जिनको देखा छुआ जा सकता है, मतलब कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको अपन टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जो मैंने अभी नॉन करेंट में भी आपको बताई, जैसे मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये भी टेंजिबल है क्योंकि आप उनको देख सकते हो, छू सकते हो। और इसी तरह से कुछ मैंने इसके अलावा और भी वर्ड लिखे हैं, जैसे कि कैश है, स्टॉक है, ये भी कैश, कैश तो आपको पता ही है जो आपके हाथ में नोट आते हैं तो उनको हम देख और छू पाते हैं आराम से। और स्टॉक वर्ड का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर जिस चीज़ का बिजनेस हम करते हैं तो वो हमारे पास जो पड़ा होता है, उसका जो भी मटेरियल है, जैसे चाहे किराने का सामान हो चाहे जो भी हो, तो वो पड़ा हुआ गुड्स बिजनेस का जो है वो आपके कहलाता है स्टॉक। फिर उसके बाद अगला वर्ड है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल टर्म काफ़ी अलग सी होती है और इसके जो वर्ड है हर एक वर्ड का अलग अलग अपना मीनिंग होता है। जैसे कि इनटेंजिबल का मतलब टेंजिबल से जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कि ऐसी एसेट जिनको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन क्योंकि एसेट्स का मीनिंग ये होता है कि वो सारी चीज़ें जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्निंग करने में हेल्प करती है उसको एसेट्स कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि इसको भी जब एसेट्स बोला है तो ये सारी चीज़ें चाहे वो देख ना सकें, चाहे हम उनको छू ना सकें, लेकिन फिर भी वो एसेट्स में आई है, तो इसलिए इनको इनटेंजिबल कहते हैं कि भले उनको देख ना पाएँ, उनको छू ना पाएँ, लेकिन फिर भी बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में सपोर्ट करती है, तो वो एसेट्स आपकी कहलाती है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में मैंने पहला वर्ड लिखा है गुडविल। गुडविल की डेफिनेशन भी कैपिटल की तरह काफ़ी इस तरह से रहती है कि बच्चों को जब भी अपन हायर एजुकेशन में पूछते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुडविल, तो वो उसका मीनिंग बताने की बजाय उसके सिनोनिम्स ही बताते हैं कि गुडविल मीन्स रेपुटेशन, पेट पैट, इस तरह से जो हिंदी वर्ड भी है वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं, बट ये उसका मीनिंग नहीं होता बेसिकली, वो उसके सिनोनिम्स हो गए। गुडविल का मीनिंग होता है कि कोई भी बिजनेस दूसरे बिजनेस से जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करता है, तो वो जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करने का जो रीज़न है वो रीज़न आपका कहलाता है गुडविल। कि अगर आपको मान लीजिए कि बाइक लेनी है, तो आप जिस कंपनी को प्रेफर करते हो ज़्यादातर लोग, तो वो बाइक कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। अगर आपको बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप SBI को प्रेफर करते हो, तो SBI दूसरी बैंकों से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करती है, तो ये इनकी जो रेपुटेशन मार्केट में बनी हुई है यही इनकी गुडविल कहलाती है। उसके बाद इनटेंजिबल में एक वर्ड होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपको पता है, अगर आप थोड़ा बहुत अवेयर रहते होंगे, तो हर एक चीज़ के सिंबल के नीचे लिखा होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जैसे कोका कोला की बॉटल अगर जब भी आप लें, या पेप्सी की बॉटल लें, या कुछ और लें, तो उसके नीचे देखिएगा कि कोका कोला के नीचे लिखा है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मतलब कि वो एक लोगो होता है जिसको कि वो अपने नाम से रजिस्टर्ड करते हैं। जैसे SBI की भी मैं बात कर रहा था, तो उसके अंदर एक राउंड बना होता है, उसके बीच में की बनी हुई होती है, तो आप उसी को देखकर पता लगा पाते हो कि भाई ये SBI का लोगो है और ये SBI की पहचान है। तो मीन्स कि हर एक बिजनेस का अपना एक लोगो होता है पर्टिकुलर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। उसके बाद है पेटेंट। पेटेंट आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली सुना होगा वर्ड, कि कोई भी चीज़ का अगर हम इन्वेंशन करते हैं तो उस इन्वेंशन को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं पेटेंट करवाना। तो पेटेंट कराने से ये होता है कि जो चीज़ आपने मेहनत करके बनाई है, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके बिना परमिशन से उसको जो है वो नहीं बनाकर बेच सकता है, तो उसके लिए आप अपने नाम पर उसको रजिस्टर्ड कराते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए अगर आपने गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी का कैसे पता चलेगा कि गाड़ी आपकी है? वो तभी पता चलेगा जब गाड़ी खरीदने के बाद आप उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने नाम पर, तो वहाँ से जो एक आपको मिलता है कार्ड के रूप में रजिस्ट्री, तो वो ही उसकी ओनरशिप को शो करता है। वैसे पेटेंट इन्वेंशन जो करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो और लास्ट आपका है कॉपीराइट। जिस तरह से सारी इन्वेंशंस को अपन उसके अंदर शामिल कर रहे हैं पेटेंट के अंदर, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो बनती है वो इन्वेंशन में नहीं काउंट होती है। लाइक जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कोई सीरियल है, कोई टीवी है, उसके ऊपर कुछ भी आता है, या सिनेमा में जो भी आप देखते हो, तो इन सब का प्लस बुक्स है, जो भी चीज़ आप कहें कि जिनका पब्लिकेशन होता है, जो पब्लिश होती है,
तो उन सबको भी उनकी कॉपी को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है आपके नाम से, जिससे कि दूसरा व्यक्ति उसकी कॉपी को बेच ना पाए अपने नाम से। जैसे आप अगर आप कोई अच्छी बुक लिख लेते हो तो कोई भी उसकी फोटोकॉपी करा कर बेच नहीं सकता, बिकॉज उसका कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ जो है वो माना जाएगा और इलीगल काम माना जाता है। इसलिए हमेशा आप देखते होंगे ये जो पायरेसी करते हैं सीडीज़ की या फिर कॉपी बना के बेचते हैं, तो ये इलीगल माना जाता है। तो ये सारी एसेट्स ऐसी है जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प तो करती है, बट इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। एक एग्रीमेंट का पेपर होता है केवल, जिसको अपन उसका केवल एक सिंबल बता सकते हैं, लेकिन वो कोई बताया नहीं जा सकता कि हाँ ये चीज़ है, ये गुडविल है, या ये चीज़ है, ये पेटेंट है। तो इसलिए इन सब एसेट्स को अपन इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। फिर एसेट्स का जो बड़ा क्लासिफिकेशन किया था हमने नॉन करंट के बाद, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी मैंने बार बार आपको पिछले और इस वीडियो के साथ बताया, पिछले वर्ड्स के साथ बताया कि ऐसी एसेट्स जो विद इन अ 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसको अपन जो है वो क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। जैसे कि कैश, खुद कैश तो ऑलरेडी कन्वर्टेड ही है, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा वर्ड होता है डेटर। डेटर का मतलब होता है कि ऐसे पर्सन जिनको हम गुड्स बेचते हैं उधार में, जिसको उधार को अकाउंट की भाषा में कहते हैं क्रेडिट, कि जिसको हम गुड्स बेचते हैं क्रेडिट में और बाद में वो अपना पैसा देता है, तो उसको अपन डेटर कहते हैं। और वो डेटर क्योंकि 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आपका उधार माल का पैसा दे ही देता है, इसलिए उसको करंट एसेट्स की कैटेगरी में लिखा है। फिर अगला वर्ड है इसमें बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मीनिंग ये होता है कि डेटर जो है वो अभी पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो एक पोस्ट डेटेड चेक आपको दे देगा कि अभी मैं 2 महीने बाद आपका पेमेंट करूँगा, 3 महीने बाद आपका पेमेंट करूँगा। तो वो चीज़ जो है वो आपके इसके अंदर बन जाती है बिल्स रिसीवेबल। अगर आपको इमीडिएट पेमेंट मिल रहा है चेक का, तो वो तो चेक ही कहलाएगा, लेकिन अगर वो पेमेंट बाद में मिलेगा तो वो चेक की जगह आप उसको क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। फिर उसके बाद अगला लास्ट वर्ड मैंने इसमें एज एग्जांपल लिखा है स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये होता है कि बिजनेस के अंदर जो गुड्स होता है जिसमें हम डील करते हैं, वो पड़ावा हमारे पास जितनी भी मात्रा में, जितनी भी क्वांटिटी में हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट पर हम चेक करें कि कितना गुड्स पड़ा है, तो उसको मिलाकर जो है वो अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो ये सारे करंट एसेट्स हो गए। और लास्ट वर्ड है जो काफ़ी टिपिकल रहता है जनरली स्टूडेंट्स के लिए, जिसको बोलते हैं फिक्टीसियस एसेट्स, जिसको हिंदी में अगर अपन बोलें तो आपको और भी ईजी याद रहेगा। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, हिंदी में कहते हैं इसको कृत्रिम संपत्तियाँ। कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल मीन्स की जो होती है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, आर्टिफिशियल होती है, कोई काम नहीं आती बिजनेस के अंदर। तो ये ऐसी एसेट्स होती है जो बेसिकली एसेट्स होती नहीं, लेकिन एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जिसको बिजनेस ने अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया है, तो वो इस कैटेगरी में रखते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसेट्स के अंदर, एसेट्स के साथ साथ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेस भी आते हैं बाद में, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस भी डेबिट होता है और ये लॉसेस का बैलेंस भी डेबिट होता है। बाद में जाकर अपन बिजनेस का एक फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट, तो वहाँ पर एसेट्स के अंदर इन दोनों को हम शामिल करते हैं। तो कुछ चीज़ें अभी अपन बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे जो पड़ी हुई चीज़ें हैं वो और क्लियर होगी, और क्लियर होगी, क्योंकि 11th का कोर्स काफ़ी रिलेवेंट है। और अगले 6-7 लेसन तक आप जो चीज़ें पढ़ते रहोगे वो पुरानी चीज़ें और आपको क्लियर होगी, क्योंकि वर्बली अकाउंट जो है इतनी नहीं समझ आती जैसे कि मैथ्स टाइप के सब्जेक्ट है। तो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे लेसन्स हैं आपके जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आपको और इंटरेस्ट भी ज़्यादा आएगा, बिकॉज अभी तो सिर्फ एक थ्योरी है, एसएससी टाइप सब्जेक्ट अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, काफ़ी प्रैक्टिकल लाइफ से टच सब्जेक्ट है और बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें होती है जो फ्यूचर लाइफ में आपके काम भी आती है। चाहे बोलिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी होते हैं तो ये सारी जनरल चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं। तो अकाउंट कॉमर्स का एक बहुत बड़ा बेस है, और अगर आप लोगों ने कॉमर्स लिया है तो ये ज़रूरी है कि अकाउंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे फ्यूचर में अगर आपका एम्बिशन CA CS ICW कुछ भी करना है तो उसमें अकाउंट से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सब्जेक्ट होगा मैथ्स की तरह, और मैक्सिमम मार्क्स लाकर आप ना सिर्फ उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं बल्कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी जो है इसमें इम्प्रूव हो सकती है। तो फिक्टीसियस एसेट्स का मीनिंग ये होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेस जिनको हमने अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया है, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है जिनको अभी तक हमने ख़त्म नहीं किया है धीरे धीरे करके। अकाउंट्स की भाषा में रिटर्न ऑफ का मतलब होता है जैसे आपने अगर कोई लोन लिया है और आपने उसकी सारी इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी तो वो रिटर्न ऑफ हो गया। तो वैसे बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जो उसी साल ख़त्म नहीं हो पाते हैं, उनको धीरे धीरे करके हम अपने प्रॉफिट में से ख़त्म करते हैं, उनको सेट ऑफ करते हैं, इसी को अकाउंट के अंदर रिटर्न ऑफ वर्ड के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ मैंने पहला एग्जांपल लिखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डेफर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थगित यानी पोस्टपोन्ड करना, और रेवेन्यू एक्सपेंस बिजनेस के अंदर रेवेन्यू कमाने के लिए, जो इनकम कमाने के लिए हम जो खर्चे करते हैं उसको बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस के अंदर कुछ एक्सपेंस ऐसे हो जाते हैं जैसे हैवी रिसर्च एक्सपेंस, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो कि आप एक साल में नहीं पूरे सेटअप कर पाते हो, तो वो सब इस कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाते हैं। प्लस इसके अलावा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, कंपनी जब जैसे नए शेयर इशू करती है पैसा इकट्ठा करने के लिए, डिबेंचर का मतलब डेब्ट यानी कि लोन लेने के लिए पैसा इकट्ठा करती है, तो वहाँ पर उनको कुछ डिस्काउंट पर उनको देती है, जैसे कि 100 रुपये का शेयर है और कंपनी अगर आपको 90 रुपीज़ पर दे रही है तो वो 10 रुपये का डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस हो जाता है। लेकिन कंपनी सारा का सारा डिस्काउंट का लॉस एक साथ राइट ऑफ नहीं करती, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, धीरे धीरे करके वो सेट ऑफ करती है। तो इसीलिए इसको जो है अपन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं।